नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सीधी मिल सके। दोस्तों, पिछले 30 सालों में मधुमेह बुढ़ापे में होने वाली बीमारी से बढ़कर युवा तथा वयस्कों में एक जानलेवा समस्या का रूप ले चुका है। डाइट तथा जीवन शैली मधुमेह से बचाव तथा इसके उपचार के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है, पर मधुमेह के रोगी के लिए आदर्श भोजन से जुड़ी कई मिथ्याएं हमारे मन में घर कर चुकी हैं। अगर सही आहार योजना का पालन किया जाए तो मधुमेह प्रबंधन आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि मधुमेह के रोगी के लिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि सुबह क्या खाना है, दोपहर खाना है और रात को क्या खाना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों मधुमेह के रोगी को दिन की शुरुआत सुबह 1 कप पानी और 10 ग्राम सौंफ के साथ करनी है। उसके आधे घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी या चाय और उसके साथ कुछ बिस्कुट। बाद में आपने नाश्ता करना है। नाश्ते में आप ले सकते हैं बाजरा की इडली या एक कटोरा सांभर, या डोसा ले सकते हैं, वेज पनीर सैंडविच ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, अंडे की सफेदी से बना ऑमलेट ले सकते हैं, पालक तथा मशरूम के साथ इसे ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोपहर की बारी। दोपहर को सबसे पहले आपने सेब, अनार, नाशपाती, संतरा या पपीता इसमें से कुछ खाना है। उसके आधे घंटे बाद आपने मट्ठा या सलाद खाना है। फिर आधे घंटे बाद आपने दोपहर का लंच करना है दोस्तों। इसमें आप ले सकते हैं 1 कटोरी कम तेल में बनी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 2 रोटी होल व्हीट आटे से बनी हुई, या फिर 1 कटोरी सब्जी पुलाव ब्राउन राइस से बना, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी रायता। यह आपका दोपहर का खाना है। शाम को दोस्तों आप लो फैट का दूध ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, ओमेगा 3, मट्ठी, बादाम, अखरोट ये ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिनर, रात का भोजन। उसमें आपने सबसे पहले 1 कटोरी सलाद लेना है या सूप भी ले सकते हैं। उसके आधे घंटे बाद 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी मिक्स वेज सब्जी और 2 रोटी, ये आपका डिनर है दोस्तों। और रात को सोने से पहले 1 गिलास लो फैट इलायची वाला दूध पीना है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि यह योजना 1200 कैलोरी की जरूरत को देखकर बनाई गई है। इसे आप अपनी शारीरिक जरूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मधुमेह से लड़ने का पहला कदम वजन प्रबंधन है। इसलिए जरूरत से ज़्यादा ना खाएं। एक बार में बहुत सारा खाने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं और जितना हो सके उतना व्यायाम भी करें। दोस्तों, इस चार्ट के हिसाब से अगर खाना खाएंगे तो मधुमेह आपकी कंट्रोल में रहेगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपके लिए हम आगे भी ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।